नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत मैं कर रहा हूँ Study29 यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में आप सभी को गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो बीएड का एंट्रेंस आता है हर साल, उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि पिछला साल एंट्रेंस कब आया था और इस साल कब आएगा। अभी तक जो एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम है उसका फॉर्म अभी तक आउट नहीं हुआ है ऑफिशियली, लेकिन एक उम्मीद आप लगा सकते हैं कि फॉर्म कब आउट होगा। तो इसीलिए आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देना पड़ेगा, क्योंकि जब एंट्रेंस का जो फॉर्म आउट होता है उसके बाद बहुत कम समय मिलता है, लगभग 1 मंथ का टाइम मिलता है 30 डेज़ का, जो कि बहुत कम है सिलेबस के हिसाब से देखने जाएंगे। तो देख लीजिए, पिछला साल जो एंट्रेंस का जो फॉर्म आउट हुआ था वो जुलाई में आउट हुआ था और एग्ज़ाम हुआ था 6 अगस्त को। तो लगभग मोटा मोटी मान के चलते हैं कि इस साल भी आपका जुलाई में फॉर्म आउट हो जाएगा और जुलाई में फॉर्म वॉर्म सब फिलअप हो जाएगा आपका, और आपका जो एंट्रेंस होगा वो अगस्त में होगा। ठीक है, ज़्यादा चेंज नहीं होता है, 2-3 साल का मैं कंपेयर करके देखा हूँ तो लगभग जुलाई के आसपास आपका फॉर्म फिलअप होता है और अगस्त में एंट्रेंस होता है। ठीक है, ये रहा। तो जो भी कैंडिडेट डिग्री लास्ट ईयर में है और अपियरिंग कर दिए हैं और जिनके पास 50% आने का चांस है और आ जाएगा, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 50% आपके आने का चांस है या फिर आपका अभी तक 50% है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम कैंडिडेट का जो फाइनल ईयर का रिजल्ट है वो जुलाई में आ जाएगा, तो उसके बाद से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो बीएड का एंट्रेंस आएगा उससे पहले आपका डिग्री का लास्ट ईयर का जो रिजल्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं है। और आगे बात करते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करते रहिए, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है guwahati.ac.in, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस वीडियो का बनाने का एक ही मकसद था कि आपको सिलेबस बताऊं और आपको अभी क्या करना है। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज 25 जून 2018 है और अभी से लगभग आपके पास 35 डेज़ पकड़ के चलते हैं, 35 डेज़ का टाइम है। तो इन 35 डेज़ में आपको क्या करना है और सिलेबस कौन कौन सा सिलेबस आपको अभी से तैयार रखना है, तो चलिए बताते हैं आपको सिलेबस। तो हम लोग इस स्लाइड पे आ गए हैं, यहाँ पे आपको सिलेबस बताऊंगा। वैसे आपको बता दें कि एग्ज़ाम जो होता है 2.5 आवर्स का होता है, 2 घंटा 30 मिनट का आपका एग्ज़ाम होता है और आपका जो टोटल मार्क होता है वो 100 मार्क का होता है, 100 मार्क का पेपर होता है। तो उस 100 मार्क का पेपर में आपका क्या क्या सिलेबस आएगा वो मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले देख लीजिए, इंग्लिश आता है 20 मार्क का, नंबर एक इंग्लिश। इंग्लिश में वोकेबुलरी, टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रिपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, ये सब होता है 20 मार्क का। उसके बाद जनरल नॉलेज होता है, इसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, 20 मार्क का। ठीक है, तो ये दोनों तो आप अभी से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी, जो कि रीजनिंग है और मैथ्स, मैथ्स और रीजनिंग 15 मार्क का। ठीक है, तो 3 सिलेबस तो आप हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आपको मिलता होगा। बाकी जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में कैंडिडेट दे रहे हैं, SSC हो गया, बैंक हो गया, उन सभी में ये सिलेबस तो कॉमन है। अभी यहाँ जो चेंज, जो सिलेबस आपको अलग मिलेगा यहाँ पे, वो यहाँ है टीचिंग एप्टीट्यूड कॉन्सेप्ट, नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर, टीचिंग स्किल्स, टीचिंग इफेक्टिवनेस, टीचिंग एड्स, इवेल्यूशन सिस्टम, ये जो है 20 मार्क का आएगा। ये नया है, ठीक है, आप लोगों को नहीं मिला होगा उसे, ये नया है जो कि बीएड एंट्रेंस में आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से 20 मार्क आएगा। बाकी करेंट इंडियन एजुकेशन इशू एंड पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान, सेकेंडरी एजुकेशन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड, हायर एजुकेशन, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रोल ऑफ NAAC, नेशनल नॉलेज कमीशन, NKC, यशपाल कमेटी रिपोर्ट 2009, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन अंडर 12th FYB, ए आपका 25 मार्क आएगा, कुल मिला के 100 हो जाएगा। तो ये रहा आपका सिलेबस, अभी से आप बुक खरीद लीजिए। और बाकी 2 सब्जेक्ट के लिए तो आपको जो आपके पास जो पहले से बुक हुआ उसको भी देख सकते हैं, इंग्लिश, GK और न्यूमेरिकल एबिट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी के लिए। बाकी इसके लिए आपको किताब खरीदना पड़ेगा या फिर आप नेट में सर्च भी कर सकते हैं, जो जो टॉपिक्स यहाँ पे दिया है उसके ऊपर आप नोट भी बना सकते हैं। तो 30 दिन, 30 से 35 दिन बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और यही सब बात बताना है। और जो भी कैंडिडेट DLED एग्ज़ाम दिए थे, SCIT का जो DLED, उनमें उनका मार्क यदि कम है और उनके पास डिग्री है या फिर डिग्री लास्ट ईयर में है तो भी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को 50% तो आ ही जाएगा, तो आप इस फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। वैसे वो डिप्लोमा था और बैचलर डिग्री है, बहुत अच्छा है। और यही सब बात है जो बताने के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ और आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप रेगुलरली विजिट करते रहिए गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो भी नोटिस आता है उस वेबसाइट पे मिलेगा। और यदि एंट्रेंस का फॉर्म आता है
ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो मैं अपडेट करूँगा। लेकिन इस वीडियो में यही सब बताने के लिए आपको बनाया हूँ कि आप सभी लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें अभी से, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है एंट्रेंस एग्जाम का, जो फॉर्म आउट होता है उसके बाद। तो अगली वीडियो में तब मिलते हैं फिर से एक अच्छा से न्यूज़ लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।